हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और ये है वो कुंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए ब्लॉग रहेगा आज का, ठीक है दोस्तों। और ये रहा वो गुफा जिसकी वीडियो दिखाया जाएगा आपको। तो हे गाइस, दिस इज राजो सर। और गाइस, मैं आपको वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का अपना ब्लॉग रहेगा दोस्तों अपना। हम मेरे गाँव में एक छोटा सा जंगल है, जंगल के बीच से एक रास्ता जाता है जो कि वहाँ पर आज मेला लगेगा। वहाँ बहुत अच्छा एक मान्यता होती है दोस्तों, वहाँ पर जो जाता है सब सच्ची मन श्रद्धा से वहाँ मन्नत पूरी होती है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों अपना रहेगा वहीं का, तो बने रहना दोस्तों आप ब्लॉग में, ठीक है। हमारे गांव के जंगल में एक खूबसूरत जगह है जिसका नाम है टपका, ठीक है। तो गाइस, आज वहां का मेला है, आज आपको वहां का पूरा सीन बताएंगे, क्या कैसा वहां की खूबसूरती है, क्या क्या वहां का फैसिलिटी है और क्या क्या वहां पे अच्छी चीज़ें हैं और बुरी चीज़ें हैं, सब आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप बने रहें इस ब्लॉग में, आपको आज का ब्लॉग में सब कुछ दिखाएंगे। आपको जंगलों से होकर बीच में से जाता हुआ रास्ता बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों वहाँ का नज़ारा। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखना और फुल इन्जॉय करना, ठीक है। ये गाइस छोटा सा मेरा गाँव, आप देख सकते हो, ये गाँव की खेती है और ये गाँव है अपना छोटा सा, ठीक है। और ये मेरा घर, ये घर है अपना, जहाँ से मैं अपने घर के लिए जाता हूँ। वो सामने जो गेट दिख रहा है दोस्तों, वो येलो वाला, ये मेरे घर का गेट है, ठीक है। ये हो गया मेन रोड। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग चल देते हैं मेला के लिए, ठीक है। और ये है अपने दोस्त सुमित, जो कि उनकी बाइक से हम लोग जा रहे हैं। और ये गांव से होते हुए एक तालाब है जिसका गाँव का नाम है शंकर नगर। यहाँ से हम लोग जाते हैं और पूरा नज़ारा आप देखते जाओ। ये गांव का है सीन है दोस्तों, तो गांव में आप देख सकते हो गांव में कैसा रहता है सीन। ये मेरा खेत हो गया और खेत से होते हुए जंगल से होते ही हम लोग जाते हैं। सो आप वीडियो को पूरा देखें, एंजॉय करते हुए जाते हैं हम लोग सब लोग। और ये साथ में जो भी हैं ये जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो आप। आई होप दोस्तों आपको जंगल का सीन देख के आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे, यहाँ पे आते थे बचपन में हम लोग साइकिल लेके लकड़ियाँ लेने। और वो मेले में हम लोग बहुत बार गए हैं, बचपन में गए हैं दोस्तों। तो देख सकते हो आप, ये यहाँ पे ऐसे ट्रैक्टर में भी लोग जा रहे हैं, ये देखिए। तो ठीक है, तो ये गांव के ही लोग हैं, ट्रैक्टर से जा रहे हैं मेला घूमने के लिए। और ये खेत साइड में, खेत में लगे हुई हैं, रोड के साइड में खेतें भी लगी हुई हैं। और ये गांव, और दोस्तों बचपन के भी क्या दिन होते हैं, ना आपको कमाना है, ना आपको लाइफ की टेंशन, ना आपको करियर की टेंशन, बस मस्त खाओ और लाइफ एंजॉय करो, नो टेंशन लाइफ में। बचपन के दिन भी क्या होते हैं दोस्तों। तो ये मेला हम लोग ऐसे ही घूमने जाते थे। और ये बीच में दोस्तों गांव पड़ता है गोबरा, इस गांव का नाम है गोबरा, जो कि ये मेले के बीच में पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं और इसी गाँव में एक दुकान है, इस गांव में ये दुकान है दोस्तों, तो इसमें आप जो भी चाहो ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है अपना गोबरा गांव दोस्तों, जो कि टपका मेला से समथिंग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आगे पड़ेगा आपको। देखिए, जंगलों के बीच में छोटा सा गांव है दोस्तों, देखिए। और ये भैया की दुकान, जहाँ पर हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया, ठीक है। ये सब भैया अपने यही आस पास के गाँव वाले हैं सर। सो बने रहे दोस्तों आप ब्लॉग में, आपको वहाँ को सीन दिखा दें, ठीक है। फ्रेंड्स, गाड़ी पार्क कर दी अपन ने और अभी चलते शॉट दिखाते हैं। देखिए पब्लिक बहुत आ चुकी है दोस्तों यहाँ पे। सो बने दोस्तों आप ब्लॉग में।
तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होता है मेला, जो कि आप देख सकते हो समथिंग 2:30 का टाइम हो रहा है और पब्लिक आती जा रही है और भीड़ बढ़ रहा है दोस्तों। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जंगल के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा मेला भरा भी जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी दी गई हैं, गन्ने भी रखे हुए हैं। जो लोग गांव से होंगे तो गन्ने का तो आप जानते हैं दोस्तों, गन्ना क्या चीज़ होता है, कितनी पौष्टिक चीज़ें होती हैं। तो बने रहना दोस्तों आप ब्लॉग में और देखना पूरा, आपको पूरे मेले का नज़ारा आपको दिखाते हैं, ठीक है? बने रहना दोस्तों आप ब्लॉग में। और यहाँ पे दादा जो है पुंगा बेचते हैं, जो कि मेले में बहुत लोगों ने पुंगा बजाया होगा। आई होप दोस्तों जो वीडियो ये देख रहा है उसको मेले का वो जो भोपू जिसको अपन लोग बोलते हैं, आई होप दोस्तों बहुत लोग बजाए भी होंगे, ठीक है? देखिए दोस्तों, अभी भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें, नाश्ता पानी सब दिखेगा, सब मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? ये गाँव जंगलों के बीच में दोस्तों ऐसा मेला लगना तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। और दोस्तों ये हर साल ना बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, ये मेला बढ़ते ही जा रहा है। इसकी खूबसूरती, यहाँ का भीड़ भाड़ बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों। ये देखिए बच्चों के खेलने की चीज़ें भी यहाँ पे बनाई गई हैं, और मेले में जो भी होता है बच्चों का खेलने का ये सीन बना रखा है। ये दोस्तों पहले नहीं था, बट इस साल से ये भी चालू हो गए यहाँ पर, ठीक है? तो बच्चों को एंजॉय करने का एक ये भी एक जरिया मिल गया। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी पब्लिक बढ़ गई है इस समय, और टाइम हो रहा है दोस्तों समथिंग 3 बजे का, और मैं और सुमित भाई हम लोग सब घूमते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये चूड़ी बिंदी का भी सामान मिलेगा यहाँ पे लेडीज़ों के लिए, गर्ल्स और लेडीज़ के लिए, ठीक है? कपड़े मिलेंगे आपको यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे चूड़ियों से लेके बैग से लेके सारा आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वैरायटी मिलेंगी यहाँ पे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे घूमने चल देता हूँ मेला, और यहाँ पे देखते हुए अपना बेल्ट चश्मे जो भी होते हैं बॉयज़ के लिए, ठीक है? यहाँ पर फुटबॉल भी बिक रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो, और आगे वो भी देख लो बच्चों के लिए खेलने की जो जगह है। तो सुमित भाई बोलते हैं कि हमको भी उसमें थोड़ा एंजॉय करना है, ठीक है? तो मैं भी क्या, मैं भी बोल देता हूँ चलो चलते हैं पहले एंजॉय करने के लिए, फिर क्या, मैं और सुमित भाई दोनों चल देते हैं उसको वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है? फिर हम लोग दोस्तों नीचे के साथ चल देते हैं, जहाँ पे वो जगह होती है जहाँ पे वो रानी का गुफा होता है, उसके बीच में फिर ये खिलौनों की दुकान भी पड़ती है बीच में, आप देख सकते हो। और मैं और सुमित दोनों जाते हैं, और यहाँ पे कुछ बच्चे एंजॉय करते हुए, ठीक है? तो आपको ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है? तो बने रहो दोस्तों आप ब्लॉग में, तो आपको दिखाते हैं, देखिए चले आगे वाले में, हाँ भाई लोग यहाँ पे हैं। तो बने रहो दोस्तों आप ब्लॉग में, ठीक है? और यहाँ से दोस्तों हम लोग चल देते हैं कुंड की तरफ, जो कि ये कुंड का मेन दरवाज़ा है, ठीक है? यहाँ से सब लोग भगवान का नाम लेके, और ये अपने राजा साहेब हैं जो कि यहाँ के पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे, राजा गोबरा के नाम से ये जगह फेमस है, ठीक है? और दोस्तों इस जगह का नाम है सिद्धेश्वर धाम, सिद्धेश्वर धाम टपका। तो हम लोग हो जाते हैं अंदर, बट भीड़ की वजह से वहाँ पे दोस्तों पैर तक रखने की जगह नहीं होती, इसके चलते हमको नीचे जाने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो मैं और मेरे दोस्त लोग बहुत कोशिश करते हैं कि यहाँ से जाएं, बट भीड़ की वजह से हम लोग अंदर नहीं हो पाते, बहुत कोशिश करते हैं दोस्तों बट रास्ता नहीं मिलता है, ठीक है? आप देख सकते हो इस वीडियो में पब्लिक, आप देख सकते हो दोस्तों कितनी भीड़ हो चुकी है,
बहुत भीड़ होगी इस साल दोस्तों यहाँ पे। और फाइनली दोस्तों फिर हम लोग पहुँच जाते हैं कुंड के पास, जो कि आप देख सकते हो जंगलों के बीच में दोस्तों ये झरना बना हुआ है जहाँ पे पानी निकलता है। आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ वीडियो, ठीक है। ये देखिए पानी कैसे गिर रहा है दोस्तों, बहुत ही अद्भुत जगह है दोस्तों। आप एक बार ज़रूर इस मेले में जाना दोस्तों, हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूम के, ठीक है। क्योंकि समथिंग पाँच छः साल के बाद मैं वहाँ पे गया था और इतनी भीड़ थी दोस्तों, आप देख सकते हो ऊपर नीचे सब जगह बहुत लोग थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे। जहाँ भी देखो वहाँ पे बहुत ही पब्लिक थी। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा था इस बार का मेला, आप देख सकते हो इस वीडियो में। और इसके बाद फिर हम चले जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जो कि आप देख सकते हो हम जा रहे हैं। और बहुत दूर दूर से लोग आए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे हनुमान जी का सामने, यहाँ पे दोस्तों हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। आप देख सकते हो श्रद्धालु लोग सब दर्शन करते हुए यहाँ पे। बस देखिए यह है गुफा, यह है गुफा और जहाँ पे अभी पंडा बाबा बैठे हुए हैं उसी के बाद यहाँ से, तो देख सकते हो आप यहाँ पे भगवान की पूजा हो जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बार जरूर आइए यहाँ पे दर्शन करने के लिए श्री भगवान की, जो कि अपना गुफा है ये। तो चलिए हम भी दर्शन कर लेते हैं जी जी, यहाँ पे हम रुकते हैं, ठीक है। और फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए कुंड के ऊपर साइड, जो कि आप देख सकते हैं व्यूज कितना अच्छा लग रहा है। और ये पब्लिक आई हुई है यहाँ पे श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए। अगले साल से दोस्तों इस बार बहुत श्रद्धालु लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, और जो कि इस मेले को बहुत अच्छा बना दिए श्रद्धालु लोग आके यहाँ पे। आप देख सकते हो कितनी भीड़ उमड़ी हुई है, कैसे सब लोग कुंड में अपना। और दोस्तों सबसे ज़्यादा मेले में पाए जाने वाली चीज़ें कहलाती है खाने की चीज़ें, और बहुत से स्टॉल यहाँ पे लगी हैं, जैसे कि जलेबी, समोसे, चाइनीज नूडल, भजिया और खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल लगे देख सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ मीठा हम भी खा लें। घूम घूम के बहुत थक गए दोस्तों, तो हम लोग रसगुल्ला खा रहे हैं, देखिए सब भाई लोग देखो कोई ना दोस्तों, रसगुल्ले बहुत टेस्टी हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप भी इस मेले में आओ, आप भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, आप घूमने में बहुत मज़ा आएगा आपको। जंगलों के बीच में ये मेला जो लगता है ना दोस्तों, बहुत अच्छा रहता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिस्टर आर एस ब्लॉग 09 से, ठीक है। सो ये भाई लोग भी अपने आ चुके हैं, ठीक है। सो ये भाई लोग भी चले अपने ब्लॉग में दोस्तों, ये लोग भी आ जाएंगे पूरे, ये सब भाई लोग अपने झरोली गाँव से हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ब्लॉग शूट हो रहा है भाई अपना। कमल भाई, लोचन भाई गांव के साथ अपने दोस्त लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे, ये अपने छोटू, ठीक है। तो दोस्तों आपका ब्लॉग कंप्लीट हुआ आज, भाई लोग मिल गए, कंप्लीट अपना ब्लॉग हो गया, ठीक है। भीड़ में तो बहुत होगी दोस्तों, देखिए।
आपको। तो फ्रेंड्स पेटीज में दोस्तों बहुत टेस्टी है, सही में बहुत मजा आ गया। तो आप जरूर अगली बार अगर इस मेले में जरूर आप आओ तो ये पेटीज बहुत ट्राई जरूर कीजिएगा। ये वाला भैया का बहुत टेस्टी है, 15 रुपये का एक पेटीज देते हैं ये, ठीक है। तो आप जरूर ट्राई करना, ठीक है, हम तो खा ही रहे हैं। सो गाइस हम लोग घूम लिए मेला अभी और जा रहे हैं हम लोग घर के लिए। हम लोगों ने इतना सारा सामान लिया, देखिए गन्ने भी लिए, मिठाई भी लिए, हम जाके दादी को खिलाएंगे। दादी के लिए मीठे भी ले लिए। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। ये वीडियो आपको दोस्तों कल शाम को मिल जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। बाय गाइस।